बीएड सिलेबस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 2023-25 का सैशन जिहड़ा चलना है, 2 साल की बीएड और 4 सेमेस्टर होंगे इसके। इसका सिलेबस है 4 सेमेस्टर का, स्कीम ऑफ स्टडी सेमेस्टर 1 फर्स्ट है, पेपर 1 है, नाम है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये पेपर जो है, क्योंकि पहले इसका नाम हुंदा सी, लेकिन पहला नाम हुंदा सी, ये नहीं सी कि कंटेंट विच तब्दीली नहीं आई। इसनों एजुकेशनल साइकोलॉजी दे नाम नाल पहले जानिया जाता सी। ओके, नैचुरली साइकोलॉजी हजे भी डोमीनेट करती है इस पेपर विच। साइकोलॉजिकल आस्पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है सब तो ज़्यादा, क्योंकि इसका मेजर पार्ट जिहड़ा है TET विच आ रहा है, बेशक सेंटर का होवे स्टेट का होवे। सो ये थोरली पढ़ना जरूरी है, आपां नाल पढ़ांगे। 4 क्रैडिट ने, क्रैडिट का मतलब आवर है, हफ्ते विच 4 घंटे लगाने हैं। किहड़े कॉलेज किन्ने लगते हैं, किदां लगते हैं, मैनू रब दा वास्ता पुछियो ना, पता नहीं इंडिया किहड़े रस्तियां ते तुरिया होया है। सो सैकेंड है कंटैम्परेरी इंडियन एजुकेशन। मेरे ख्याल से मैं जल्दी ना कर दाँगा, सिलेबस अगले डिस्कस करांगे, एज ए स्कीम सिर्फ दसा। सो ये भी 3 घंटे का पेपर होएगा, 100 मार्क्स का होएगा, ये 30-70 की डिवीज़न होएगी, अगे चल के डिवीज़न आ जाती है। कंटैम्परेरी इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के जिन्ने भी इजम्स ने, सॉरी कमीशनज है, कमेटीज़ है, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मिड डे मील्स है ना, ये सारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चों की, जिहड़ी प्राइमरी एजुकेशन, सैकेंडरी एजुकेशन, जिन्हां गवर्नमेंट दियां स्कीम्स हैं एजुकेशन दियां, वो असीं इस विच पढ़ांगे। पेपर 3 है एजुकेशन एंड डिवेलपमेंट, इहदे विच ज़्यादा फिलोसॉफिकल बेस है नाल के एजुकेशन दा आइडियोलॉजिकल बेस जिहड़ा है। हुण इत्थों तुसीं देख सकते हो जिथे 4 क्रैडिट हैं वो 3 घंटे का पेपर है, जिथे 2 क्रैडिट है वह 3-1.5 घंटे का पेपर रह जाता है, और 50 मार्क्स का तुसीं 35 का करना है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच ये सुजैशन है, मैं वैसे लिखती तौर पर भी जरूर दवांगा कंपैरिजन करके कि हाँ, पर तुसीं नहीं मेरे फेवर च होगे कि ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान बन जाते हैं, इन्हां नूं स्टूडेंट बहुत लाइटली लेंदे हैं, सिर्फ इन्हां दी टेंशन लेंदे हैं। दूसरा आ जाता है पेपर जिहड़े पैडागोजिक सब्जेक्ट तुसीं सिलेक्ट किए हैं ऑलरेडी, मेजर ते माइनर, इत्थे मेजर माइनर खत्म हो जाता है। एक ये पैडागोजी 1 होएगा, PS जिहड़ा पैडागोजी ऑफ स्कूल है ना, इसका मतलब है एक सिलेक्ट करना है, और दूसरा तुसी इहदे चो सिलेक्ट करना है इहदे विच्चों, ठीक। सो ये 5 पेपर हो गए ने, 5 पेपरां दे विच्चों 2 पैडागोजी दे आ गए ने, बाकी जिहड़ा 6वां 7वां 8वां पेपर ने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी 50 मार्क्स का होएगा, 15 इंटरनल असैसमेंट और 35 एक्सटरनल, और रीडिंग एंड रिफ्लैक्टिंग ऑन टैक्सट है ना, सच्ची बड़े प्यारे नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के बेस पर ये बने ने, लेकिन उस तरह पढ़े नहीं जाते। सब तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम कहने ना TET की तैयारी नहीं करते, ए शब्द जिंदगी ना छोड़ो, मैं बार बार कह रहा, और किन्ने वड्डे वड्डे शब्दों तो भी वड्डा शब्द ये है। टैक्सट ते रिफलैक्ट किदा करना है, टैक्सट नू मीनिंग असी उदा किदा, डूंगे मीनिंग टैक्सट दे लिखी हुई दे किदा लैने है ना। फील्ड एंगेजमेंट है 1 वीक दी, इट मीनस आप पता है कि प्रैक्टिकल है जिहड़ा, टोटल तुसी फील्ड विच जाओगे, फील्ड तुहाडा स्कूल होएगा। सो ये 1st सेम दा है, 2nd सेम दे विच भी इस तरह ये पिछा नहीं सज रहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी जिन्हों कहते हैं, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी इनू नाम ना दिता जाए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही प्यारा शब्द है, हाए जब तक असं समझ नहीं लेंदे लर्नर नू, लर्निंग प्रोसैस नू, लर्निंग एनवायरमेंट नू अच्छा टीच नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण फिर उही है TET का, जिहड़ा TET का मेन पार्ट है, CDP असं उधर पढ़ते हाँ, चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी, वो कुछ नहीं है, इसे का ही मेन पार्ट है। 3 घंटे तो होएगा इसकी जोड़ी है, 70 मार्क्स इंटरनल एक्सटरनल असैसमेंट होएगी, इंटरनल एग्जाम दे, सॉरी एक्सटरनल दे, और 30 जड़े ने इंटरनल असैसमेंट है। इस वक्रा वीडियो कट के दसदा हाँ कि यह डिफरेंस 20% तो वध होण ते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सिर्फ स्टूडेंट ने बचना किवें है। असैसमेंट फॉर लर्निंग ये भी उस तरह है ना, दूसरा पेपर हो गया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, ये 3 मेन पेपर 3 घंटे के होंगे, उस तो बाद पैडागोजी के 2 पेपर होंगे, उस तरह पैडागोजी का दूसरा पेपर डिवीज़न होएगी, जिहड़ा तुसी पहले सैम च चुन आए हाँ उही रहेगा, ये रहा। सो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये प्रैक्टिकल है, तुसी एक ड्रामा खेडना भी हुंदा है,
है ना, आर्ट के नाल संबंधित जो ड्राइंग वगैरह ये वो इस दे सिलेबस विच असीं गल्लां करांगे। सो इदा है कम्युनिकेशन स्किल है। सो ये सैकेंड समेस्टर है, टोटल क्रैडिट 20 बनते ने, ये फॉरन की सिर्फ शब्दावली है पर इतने कुछ नहीं है। थर्ड समेस्टर सारिया यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप का हुंदा है, पहला ये टीचिंग प्रैक्टिस हुंदा सी नाम, इंटर्नशिप का मतलब है होल दिन तुसी उत्थे गुजारना है और सारिया एक्टिविटी विच बीइंग ए टीचर का रोल अदा करना है और लंबा पीरियड करना है। सो ये फर्क है इंटर्नशिप ते प्रैक्टिस दे विच। क्रैडिट जिहड़े ने 16 ने, इट मीनस ज़्यादा समा इत्थे तुसी हुण गुजारना है। ये पैडागोजी ऑफ वन सबजैक्ट एंड सैकेंड सबजैक्ट, ये अलग तो वीडियो बना दाँगा कि काफ़ी तुसी लैसन प्लैन करने होंगे ने, नीयरली 40 लैसन प्लैन वड्डे करने होंगे ने, माइक्रो छोटे लैसन प्लैन करने होंगे ने, उस दे नाल रिलेटेड जिहड़े फील्ड एंगेजमेंट विद कम्यूनिटी NSS कम्यूनिटी सर्विसिज है ना, होर फाइल वर्कस, इस दे विच सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल वर्क ही ज़्यादा होना है, तुहानू थ्यूरी एग्जाम तुहाडा कोई नहीं होएगा। ठीक, इस विच किस तरह गेन ज़्यादा करना है, किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है, किस तरह इंटरनल असैसमेंट सेव रखनी है, वो नाल नाल मैं दसांगा। फोर्थ सैम है, फोर्थ सैम जेंडर स्कूल सोसाइटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग इनकलूसिव एजुकेशन, ये कंपलसरी सबजैक्ट हो जाते हैं स्कूल मैनेजमेंट, ये चार जड़े ने कंपलसरी ने बनते। ओके, और ऑप्शनल है एनी वन, ये वोकेशनल एंड वर्क एजुकेशन, हैल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एंड वैल्यू एजुकेशन। तुहानू अजीब जी गल दसदा हाँ कि नॉर्मली बच्चे किदां लैंदे ने, क्योंकि इसते जिहड़ा अंडरस्टैंडिंग द सैल्फ, चलो नैक्सट आ गया, किहड़े 1, 2, 3, 4, 5 ये वाले ने, इन्हां पंजां दे विच्चों तुसीं एक चुनना है। पहलां ये इस पेपर नूं बड़ा चुनिया जांदा सी क्योंकि इहदे विच 1-2 क्वेश्चन औखे की आए कि इन्हां इस नूं छड्ड के लोकी फिजिकल हैल्थ इहदे वल जाना शुरू हो गए। एक गल समझ लेना, एक गल नूं समझ लेना, जे तां TET विच जाना है, TET दा टैसट देना है, फिर हैल्थ ते फिजिकल एजुकेशन चों इहदा लगभग कुछ भी कवर नहीं हुंदा, एक गल बड़ी अजीब है इत्थे दस दिना हाँ। और फाउंडेशन करीकुलम दे नाल रिलेटेड टाइप्स ऑफ करीकुलम बहुत कुछ है, डिफिकल्ट थोड़ा लगेगा पर TET च डायरैक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये लर्निंग तुहाडे TET नूं कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक, सो तुसी खुद चूज कर सकते हो, बाकी ऑप्शन भी ने, वोकेशनल है, वर्क एजुकेशन है, पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, ये भी सौखा है। सो तुसी खुद सिलेबस देख के, अब मैं दिखा दाँगा, उस तो बाद चूज करने अपने टेस्ट मुताबिक ते उहदे मुताबिक। एनरिचिंग लर्निंग थ्रू ICT है ना, सो ये भी छोटा जहा पेपर है। एनहानसिंग प्रोफेसनल कॉम्पिटेंसी 3 है ना, एनहानसिंग प्रोफेसनल कॉम्पिटेंसी 4। सो कॉम्पिटेंसी है, इट मीनस स्किल डिवेलपमेंट लई ये पेपर रखे गए ने टोटल। सो ये BEd का पूरा ओवरव्यू है। समेस्टर 1 दे थ्योरेटिकल दे 7 पेपर ने, फील्ड एंगेजमेंट 1 पेपर है, टोटल 8 पेपर ने, एक्सटर्नल एग्जाम 7 ने, इंटरनल एग्जाम 1 होएगा जिहड़ा फील्ड एंगेजमेंट है। टोटल मार्क्स होंगे 475, 475। समेस्टर 2 विच 7 पेपर एक्सटर्नल एग्जामीनेशन जिहड़े होंगे वह होंगे थ्योरेटिकल पेपर, सॉरी ये दोबारा तो दसा, थ्योरेटिकल पेपर जिहड़े वो 7 होंगे, एक्सटर्नल जिहड़े ने 6 होंगे एग्जाम, इंटरनल एग्जाम 1 होएगा। इंटरनल का मतलब है कि तुहाडे टीचर ही लैणगे। 475 जिन्ने पहला सी उन्ने ही हुण बनते हैं। थर्ड सैम 3 सब तो डिफरेंट है कि इहदे विच इहदा ना ही प्रैक्टिकल रख्या गया है, स्कूल इंटर्नशिप 15 मार्क्स है और वीक प्रैक्टिकल एग्जाम जिहड़े 2 होंगे, फील्ड एंगेजमेंट 2 एग्जाम होंगे जिहड़े ने, टोटल मार्क्स जिहड़े इत्थे है 400 बनते हैं। 400 दे विच्चों स्किल इन टीचिंग तुहाडा मेजर होएगा जिहड़ा 100 मार्क्स का हुंदा है। उहदे विच तुसी टॉपिक किद्दां चूज करना है, प्रैक्टिस की करनी है, किहड़ियां गल्लां का ध्यान रखना है, कुछ डैमो बनाए भी होए ने जां बना के मैं तुहानू देवांगा कि तुसी फाइनल लैसन नूं डिलीवर किस तरह, डैमो किस तरह देनी है। अच्छा, इसका फायदा तुहानू इह भी हो सकता है कि इंटरव्यू हुंदी है उत्थे 2-4-8 मिनट की डैमो स्टेशन लैंदे हन, तां तुसी किहड़ियां गल्लां का ध्यान रख सकते हो। समेस्टर 4 है, टोटल थ्योरेटिकल, इसनों अंडरलाइन किया जाए, इधर टोटल प्रैक्टिकल है, टोटल थ्योरेटिकल है। टोटल सब्जेक्ट किन्ने हैं, 7, एक्सटर्नल एग्जाम 5 होंगे, इंटरनल 2 होंगे और टोटल मार्क्स 350 होंगे। ये टोटल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की BEd 2 साल की स्कीम है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੋਗੇ ਪਰ ਸਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।